हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन का। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और अब मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा। काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग की हुई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये वे प्रोटीन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डुप्लीकेट मिलता है, इसलिए जब भी मंगाएं तो किसी अच्छी रेटिंग के सेलर से ही मंगाएं। तो मैंने भी फ्लिपकार्ट में इसकी रेटिंग देखकर ही मंगाया है इस सेलर से। कुछ महीने पहले मैंने ये अमेजन से मंगाया था, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे कोई लुक वाइज डिफरेंस नहीं दिख रहा है दोनों में। दोनों एग्जैक्टली सिमिलर लग रहे हैं। इस पे ये ज़रूर मुझे दिख रहा है कि इस पे कुछ ग्रीन डॉट बना है, वेजिटेरियन जो डिनोट करता है, इसमें नहीं था। और ये चॉकलेट फ्लेवर है, डबल रिच चॉकलेट, और ये मैंने स्ट्रॉबेरी बनाना बना मंगाया था। इसके अलावा मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं दिख रहा। इसमें 74 सर्विंग्स हैं और इसमें 75 हैं। ब्राइट कमोडिटीज़ का लो, इस पे भी होलोग्राम है और ऊपर में ये सील्ड है, तो इसको हम सील हटाते हैं। पाउडर काफी इधर उधर, अब इसमें एक स्कूप होगा, मैं उसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये स्कूप मुझे मिल चुका है अभी।
मैं थोड़ा कंपेयर करना चाहूँगा, ये पुराना स्कूप था मेरा, और ये नया है। इसमें मुझे कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा दोनों में, और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो ओरिजिनल होते हैं उनके पाउडर इसके वॉल्स पे चिपकते नहीं हैं, तो वो भी मुझे सही लग रहा है इसमें। अब मैं इसे पानी मिलाकर देखता हूँ ये घुलता है पूरी तरह से या नहीं। ये मैंने पाउडर लिया, ये घुल गया है अच्छी तरह से। तो ये ओरिजिनल ही लग रहा है, बट उतना अच्छे तरह से भी नहीं घुला है जितना ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला मेरा काफ़ी अच्छे से घुल गया था। ये थोड़े इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे भी, बट इसको मैं यूज़ करने के बाद और बताऊंगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, आपको लेना चाहिए या नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।